यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ताजनगरी पहुंचे सूबे के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि गठबंधन काफी दिनों तक चलने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा ये गठबंधन टूट भी बहुत जल्द जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव पर। कहा कि बीजेपी के लिए ये गठबंधन बिल्कुल सिरदर्दी नहीं है। साथ ही उन्होंने खबरें अभी तक संवाददाता आदित्य मुदगिल के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की जीत होगी। गर्मी शुरू हो चुकी है और यदि बात की जाए ताजनगरी आगरा की तो इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। मैं जानता हूं कि लोकसभा में जो गठबंधन को क्या भाजपा को चुनौती देने वाला है, भाजपा को क्या चुनौती देगा जो गठबंधन स्थापित किया गया है? आपके जन्म से पहले एक बहुत बड़ा इस देश में गठबंधन नहीं मर्जर हुआ था। गठबंधन होता है पैक्ट, मर्जर होता है विलय। 1977 में 400 के आसपास सीटें आई थी लेकिन 27 महीने वो सरकार चली थी। प्रधानमंत्री भी बदल दिया गया था, मोरारजी देसाई और चरण सिंह दो लोग बने तो भी 27 महीने चली। फिर इस देश में गठबंधन हुआ 1989 में, वीपी सिंह और चंद्रशेखर दो प्राइम मिनिस्टर मिला के भी केवल 16 महीने चली। फिर एक गठबंधन हुआ 1996 में, दो प्राइम मिनिस्टर हटाए गए देवेगौड़ा और गुजराल साहब, तो भी 16 महीने ही सरकार चली। फिर एक गठबंधन हुआ उसमें अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 महीने ही रहे। एक गठबंधन हुआ सपा बसपा का जो 1993 में हुआ और 3 जून 1995 को ख़त्म हो गया, उसकी उम्र भी 16 महीने थी। एक भाजपा और लोकदल ने गठबंधन किया था जो एक ही चुनाव चला। एक सपा लोकबंधन ने 2004 की लोकसभा में किया था जो केवल एक लोकसभा में चला था। एक कांग्रेस और लोकदल का गठबंधन हुआ था, बल्कि लोकदल का मर्जर हो गया था। बाद में अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को पैदा किया और ये हैंडपम्प चुनाव चिन्ह है बाद में आया, उसके पहले हल्दर किसान था। तो ये सारे एक भी गठबंधन चला सपा बसपा, एक गठबंधन हुआ सपा और लोकदल का 2000 की चुनाव के लिए सुहा, वो नहीं उन्हें चला। एक कांग्रेस और बीएसपी का हुआ, ये कम लोगों को पता होगा, 1996 की असेंबली में जो 98 की लोकसभा में नहीं चला। किसी भी गठबंधन की उम्र जो सर्वाधिक इस देश में हुई है वो 27 महीने हुई है। लेकिन मंत्री जी कुछ और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या नाम है जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काफी सिरदर्दी साबित हो रहा है, उसका थोड़ा सा बात है? नहीं नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं है। जो बिना नीति बिना सिद्धांत बिना कार्यक्रमों के गठबंधन होता है वो कभी चल नहीं पाता है। जग जाहिर है कि एक दूसरे को गाली देने वाले, पानी पी पी के कोसने वाले, नीतियाँ अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं, कार्यक्रम अलग हैं, महापुरुष अलग हैं, झंडा अलग है, बैनर अलग है। उसके बाद सबको पता है कि मोदी जी की लोकप्रियता से डर करके हो रहे हैं। बहुत पहले इस बात को चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त, ये सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां हुआ करेंगी, ये वैसे ही एक दुर्लभ संधि है। तो मंत्री जी ने यहाँ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो गठबंधन यहाँ पर किया गया है बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाला है। देखना यह रहता है कि क्या जनता भी इसको नकारती है। आगरा से आदित्य मुदगल, खबरें अभी तक।